एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज है रक्षाबंधन और रक्षाबंधन के दिन ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग से। तो अभी बस उठ गई हूँ मैं, नहा ली हूँ और नहा के आज मैंने देखो घर में साड़ी वेयर करी है, तो कॉटन की साड़ी है, काफ़ी सूटेबल रहती है गर्मी में। तो मैं बस नहा ली हूँ, पूजा कर ली है और आज के दिन हमारे घर में दूध वाली सेवियाँ बनती है, वो मैंने बना दी है, मतलब बनाने के लिए रख दी है। और देखो मेरी मेहंदी रात को लगाई थी मैंने, तो अपने आप ही लगा ली एक हाथ में, और दूसरे हाथ में तो मैं नहीं लगा पाई क्योंकि मेरा जो बेबी है वो उठ गया था। एक हाथ में बहुत मुश्किल से लगाई, तो बस मेड आ गई है, वो कर रही है काम और मैं फटाफट बनाने वाली हूँ खाना, क्योंकि दीदी आएंगी और बड़ी बुआ जी आएंगी। तो फिर बस टीका वगैरह करा के मुझे भी घर जाना है। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही प्यारा सा व्लॉग, हैप्पी रक्षाबंधन का। तो और आज ना सक्षम का बर्थडे भी है, सक्षम मेरी बड़ी वाली बहन का बेटा है ना, आप लोगों ने देखा ही है व्लॉग में, तो उसको भी बर्थडे विशेस दीजिएगा, उसका बर्थडे है आज। और चलो अभी मैं किचन में जाती हूँ। तो देखिए सुबह की दिया बत्ती मैं कर चुकी हूँ यहाँ पे, और उसके बाद चलते हैं किचन में। तो देखिए दूध वाली सेवई चढ़ा दी है, उसके साथ बनने रख रही हूँ सांभर। तो उसके बाद आ गई थी दीदी, देखिए, और उसके बाद यहाँ पे दीदी करेंगी रक्षाबंधन की पूजा, जो कि बहन बेटियाँ करती हैं, और मैं रात को बना चुकी थी स्टिकर, ये देखिए। और दीदी अभी आ चुकी हैं और किचन का सारा काम मेरा रेडी हो चुका है। तो इडली भी बन चुकी है, सांभर बन चुका है, मसाला डोसा बनाना है, चटनी भी बन चुकी है नारियल की, तो सब चीज़ रेडी है बस। और सेवैयाँ जो मीठी होती है उसका भोग लगाते हैं, जो पूजा करी है दीदी ने, सोन जमाते हैं हमारे में बोलते हैं, तो वो पूजा हो चुकी है। और चलो आप टीका करा लेते हैं, फिर मुझे उसके बाद घर भी जाना है क्योंकि तो काफ़ी लेट हो जाएंगे। और आज मेरे बनी की फर्स्ट रक्षाबंधन है, तो बहुत ही क्यूट लग रहा है, उसके लिए क्यूट ड्रेसअप करा है पूरा, और सब देख रहे हैं, सब प्यार कर रहे हैं उसको कि बहुत सुंदर लग रहा है आज। तो फर्स्ट रक्षाबंधन है, देखो आज कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं उसकी बहनें उसको, और दोनों बहनें यही कहती थी कि हमारा एक एक भाई हो जाएगा अगर बेटा हो जाए तो, और वही हुआ, भगवान ने बच्चों की सुनी और दोनों के लिए एक एक भाई हो गया अपना। तो चलो पहले टीका करवा लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने रक्षाबंधन यहाँ पे शुरू कर दिया था, और मैं तो किचन में थी, बच्चे एक दूसरे को बांधने लगे हैं राखी। तो हम लोगों ने 31 को यानी कि थर्सडे को सेलिब्रेट किया है। तो बोला जा रहा था पंचांग के अनुसार क्या है कि सारा ही दिन रक्षाबंधन थी, और इसलिए हमने उस टाइम पे ही किया। और मेरे बनी की तो फर्स्ट रक्षाबंधन है, देखिए ये है कि थोड़ा सा मतलब परेशान कर रहा था, ज़्यादा रोया नहीं, और टीका भी अच्छे से लगवा लिया इसने, और राखी बांधी थी छोटे छोटे हाथों में। तो देखो बनी भी कितना खुश हो रहा था देखकर, मतलब अपने दादू की गोद में लेटा देख रहा है वो सब क्या हो रहा है। बस एक मिठाई नहीं खा सकता, बाकी टीका लगा सकता है और राखी भी पहन सकता है तो अगली साल देखो कि जल्दी ही मिठाई भी खाएगा। और दोनों बहनें यहाँ पे अपने दोनों भाइयों को करेंगी राखी और टीका करेंगी, देखो। तो अभी छोटी वाली सिस्टर ने करा था, अब दीशु ने करा है, और देखो बनी का ड्रेसअप कितना प्यारा लग रहा है ना, बिल्कुल आज एक गुड्डा सा लग रहा था मुझे तो। बट ये है कि बच्चा ना थोड़ा सा परेशान भी हो जाता है, इसने ज़्यादा देर पहने नहीं शूज़, उसके बाद ना ये रोना शुरू हो गया था। तो फिर इसको मैंने मतलब उतार दिए थे शूज़ और कैप वगैरह, फिर जब मम्मी के घर गई थी ना तब मैंने उसको दोबारा से वेयर कराया था। और यहाँ पे दीदी टीका कर रही हैं पापा जी को, क्योंकि दीदी पापा जी को भी टीका करती हैं, मम्मी जी को भी करती थी पहले। तो बस देखिए रक्षाबंधन हमारा अच्छे से हो रहा है, और बस यही हम तो भगवान से प्रे करते हैं कि सारे त्यौहार अच्छे से राजी खुशी रहें, हम लोग दीदी के पास जाते रहें, दीदी हमारे पास आती रहें, बस यही एक प्यार होता है और अच्छा लगता है घर में आते हैं तो। तो देखिए इधर जिया जी भी खड़े हैं, और बस उसके बाद बारी आती है इसके पापा की और मेरी, तो हमें भी टीका करेंगी, भाई भाभी को भी टीका किया जाता है साथ में। और यहाँ पे ना हम लोग इसलिए हंस रहे थे कि दीदी बोल रही थी मेरे ब्लॉग के लिए जिया जी को वीडियो बनाओ, तो जिया जी को भी लगा दिया है ड्यूटी पे, देखो अब वो भी दीदी के ब्लॉग के लिए ना वीडियो शूट कर रहे हैं साइड में खड़े होकर। और ब्लॉग बनाना देखो एक क्या है, ब्लॉग्स के ज़रिए ना हम लोग अपनी एक यादों को समेट के रख रहे हैं और कुछ नहीं है। मुझे तो इतना कोई वो नहीं है कि आप लोग भैया मेरे वीडियोज़ वायरल कर दो जल्दी क्या कर दो, बट कोई बात नहीं, मैं अपनी वीडियोस बोला ना कि खुद ही देखती हूँ बाद में, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है देखना भी, और जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं लाइक करते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं ना सच में, तो बहुत दिल खुश हो जाता है, जो मेहनत इतनी लगती है ना वो सब मेरी मतलब अच्छे से मेरे को एक
गिफ्ट मिल जाता है आप लोगों के थ्रू। तो देखिए बस यहाँ पे रक्षाबंधन हमारा सेलिब्रेट हो चुका है। उसके बाद दीदी मुझे भी राखी बांध रही है और ब्लूपर हो गया था, हस्बैंड ने वीडियो बनाया ही नहीं, बाद में हाथ लगवा दिया। तो देखिए आज का जो लंच हमने रेडी किया था, दूध वाली सेवई बना दी हैं, नारियल की चटनी मैंने कुछ डिफरेंट तरीके से बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी, सांभर और मसाला डोसा। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी बना था सच में। तो चलिए फ्रेंड्स उसके बाद दिखाते हैं आपको, मैंने मंगाई है ऑनलाइन साड़ी अपने लिए मीशो से, और बहुत ही अच्छी पटोला सिल्क जो बोलते हैं वो वाली साड़ी आई है, बट इसका ब्लाउज़ रेडी नहीं करवा पाई इतनी जल्दी में, तो मैं एक क्रॉप टॉप लेके आई हूँ मार्केट से। आजकल क्या है, ट्रेंड भी चल रहा है ना, क्रॉप टॉप के साथ साड़ी वेयर करना ना काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये क्रॉप टॉप लेके आ गई थी ब्लैक कलर का, इसके साथ मैं आज साड़ी वेयर करने वाली हूँ। तो अभी मैं भी खाना खा लेती हूँ, पहले लंच कर लेती हूँ, उसके बाद दोनों बच्चे तो रेडी हैं, बस मुझे रेडी होना है। जो साड़ी मैंने ऑनलाइन मतलब मंगाई है, शॉपिंग करी थी, वो मैं आज पहनने वाली हूँ। तो बस चलो थोड़ी देर में होते हैं रेडी और चलते हैं, 4 बज चुके हैं मुझे ऑलरेडी यहीं पे, तो बस देखती हूँ कब पहुँचती हूँ घर। और यहाँ पे बस दीदी और भी निकलने लगे हैं और हम जाने लगे हैं मम्मी के घर। अब आता है टाइम मेरा मायके जाने का, तो अब चलती हूँ। और ये वाली साड़ी वेयर करी है, फुल लुक आपको अभी दिखाऊंगी क्या पहना है, क्योंकि ऑनलाइन मंगाई थी ना साड़ी, तो ये मंगाई है पटोला सिल्क, और दिखाऊंगी आपको कैसी लग रही कैसी नहीं। तो पहले चलते हैं फटाफट, बहुत टाइम हो गया है, शाम ही हो गई है आज तो बिल्कुल ही। चलो चलते हैं जल्दी से घर, और दीदी और भी निकल जाएंगे, अब जा रहे हैं फिर मामा जी के घर और मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। तो आज शाम ही हो गई है बिल्कुल, 5 बज गए, 5:30। हेलो गाइस, अब हम निकल गए। हाँ, अब हम नानी के जाएंगे, सबसे लेट इस बार रक्षाबंधन पे जा रहे हैं, कभी नहीं हुआ, मतलब दिन में चले जाते थे, आज बहुत लेट हो गया, बहुत लेट। यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ मैं मम्मी के घर और शाम के बज रहे थे 5:30। तो बस ये छोटी वाली सिस्टर तो गई हुई है ऑफिस और बड़ी वाली सिस्टर गई है मार्केट, वो लोग टीका कर चुके हैं पहले ही, बस अब बारी आती है मेरी, तो मैं भी करूँगी टीका। तो चलिए अब मैं भी टीका करती हूँ, काफ़ी लेट वैसे ही हो चुकी हूँ। और यहाँ पर मिठाई ले गई थी चमचम, जो कि मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, तो और येलो कलर की मिठाई, येलो कलर की साड़ी, क्या बात है, देखो क्या कॉम्बिनेशन बनाया ना मेरा आज। तो देखियो पापा को भी कर रही हूँ यहाँ पे मैं टीका, और भाई को भी करूँगी, उसके बाद दादाजी को करेंगे, मम्मी को और दादी को हर बार की तरह, क्योंकि हमारी बुआ नहीं है मैंने बताया, तो हम तीनों बहनें ही करते हैं, मम्मी पापा को भी और दादा दादी को भी। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया है हमारा रक्षाबंधन, और यहाँ पे बस हमारा हंसी मजाक चल रहा था बहन भाई का। ये फूल वाली राखी लेकर आई थी, राखी तो पहले बांध चुकी थी बड़ी वाली सिस्टर, बट मार्केट गई थी ना तो वहाँ पे गजरे वाले के पास फूल वाली राखी मिल रही थी, और इसको अच्छी लगी तो ले आई, और भाई को बांध रही थी तो हम लोग हंस रहे थे बस यही। उसके बाद बस प्रिपरेशन चल रही है, सक्षम का बर्थडे भी है आज, और देखिए सक्षम का केक आ चुका है, और सक्षम का बर्थडे भी अपने बहन भाइयों के साथ, इसने बहन तो नहीं भाइयों के साथ सेलिब्रेट करा, ये इसके फ्रेंड्स हैं कुछ मम्मी के घर के यहाँ रहते हैं, तो उनको भी बुला के ले आया था। तो देखिए बस यहाँ पे प्लेट्स लगा दी हैं बच्चों के लिए और केक कट करते हैं।
और यहाँ पे चल रहा था हमारे कुच्चू जी का डांस, देखो लव्यांश का, तो बस कॉपीराइट के चक्कर में मैं सॉन्ग नहीं डाल सकती और नए नए जो गाने आ रखे हैं ना उस पर बस ये डांस करके हमें दिखा रहा था। बहुत तेज़ हो गया सच में, सारे गाने इसको आजकल बिल्कुल याद हो रखे हैं और डांस भी बढ़िया करता है। तो बस यहाँ पे हो गया था बच्चों का थोड़ा सा बर्थडे की सेलिब्रेशन। और क्या कर रहे हो? दारू पी रहे हो? ये देखो भाई, ये चुपचाप अंदर बैठा हुआ है, दारू पी रहा है यहाँ पे। और आज मुद्दत के बाद ये अभी दिल खुश करने का चुके हैं, डिनर हो चुका है हमारा, तो बस अब जाने का टाइम हो रहा है। सब लोगों का इतने सारे अच्छे अच्छे रील्स बनाया आज हमने, आप लोग इंस्टा पे देख सकते हो और कितने अच्छे अच्छे रील्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी, सच में बहुत ही बढ़िया। तो चलो अब खाना वाना खा लिया है और रक्षाबंधन काफ़ी अच्छे से हो गया हमारा, तो बस थोड़ी देर में निकलने वाले मैं भी और बड़ी वाली सिस्टर भी जा रही है बस। तो हो गया अच्छे से त्यौहार, आई होप आप लोगों का भी अच्छे से त्यौहार हुआ होगा। और कैसा लगा आप लोगों को आज ये रक्षाबंधन का ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट्स जरूर करना, आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ, काफ़ी लेट हो गए। एक्चुअली क्या है, मॉर्निंग में है शिवाय का बर्थडे, नहीं एग्ज़ाम, इसका एग्ज़ाम है ईवीएस का, तो चलते हैं। और मेहंदी देखो और भी डार्क हो गई, अच्छी लग रही है ना, तो चलो एंड करते हैं इस वाले ब्लॉग का। बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर, बाय बाय।